गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरे घर में अभी साफ सफाई चालू है दिवाली की, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। ये देखो, मेरा टुक टुक बैठा हुआ है पास में और मिट्टी उसके अंदर सो रही है। तो आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? तो दिवाली की साफ सफाई चालू है दोस्तों, अभी बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है दिवाली की साफ़ सफाई करने में। कभी किसी दिन किसी चीज़ की, किसी दिन किसी चीज़ की, थोड़ा थोड़ा करके ही हो पा रहा है, क्योंकि एक दिन में इतनी सारी साफ सफाई तो नहीं हो सकती है ऑब्वियसली। तो इसीलिए थोड़ा 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 करके साफ़ सफाई हो रही है। और बताइए, आप लोगों के घर में भी साफ़ सफाई चालू होगी? क्योंकि त्यौहार नज़दीक है तो सफाई तो करना बनता ही है। और बस मेरे पे अभी इतना ही है कि मैं अभी पूरा सब कुछ साफ सफाई में लगी पड़ी हूँ। और मतलब जो मैं बच्चों को फीड कराती हूँ, उनमें से तीन फीमेल हैं और एक उसकी मदर है। उनका स्टरलाइजेशन हुआ था, तीन फीमेल एक मदर, उसका स्टरलाइजेशन हुआ था। तो उनमें से दो का मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, उसके टाँके वापस खुल गए हैं, तो उसको मेडिसिन वगैरह दे रही हूँ मैं। जो भी डॉक्टर ने बताया है वो मेडिसिन दे रहे हैं, तो पहले से बेटर है। आज मैं आपको दिखाऊंगी, जब भी रात को फीड कराने जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अब वो पहले से कैसे हैं। पहले से बेटर है, पहले से ठीक है। दवाई खाने में बहुत नाटक करते हैं, बाप रे, पीछे पीछे भगाते हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी में सन जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। लेकिन जैसे भी है, दवाई खा लेते हैं और अभी पहले से ठीक हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे बेचारे बच्चे, पूरे एक के तो पूरे टांके ही खुल गए थे, वो भी ठीक है। और जो दूसरी उसकी मदर है, उसने पूरा खरोंच लिया है, उसमें से ब्लड निकलने लगा और टांके भी खुलने लगे उसके भी, तो वो भी ठीक है, अभी दोनों ही ठीक है। और हल्की हल्की सी ठंड भी स्टार्ट हो गई है, और अभी मेरी तबीयत भी पहले से थोड़ी सी ठीक है, कोल्ड और अभी है, खांसी भी है थोड़ा, लेकिन हाँ पहले से ठीक है। क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो आज मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा सा कुछ सामान लेके आना है, थोड़ा सा मैं देखती हूँ कुछ सामान, जैसे दिए वगैरह होते हैं दिवाली पे जलाने के लिए, तो मैं पहले ही ला के रख लूँगी, क्योंकि एंड मोमेंट पे फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो ये बहुत परेशानी होती है फिर जाने में। इसलिए मैं पहले से ही जाके सारा सामान ले आऊँगी, दिए वगैरह लाने हैं, कैंडल्स वगैरह लानी है, बस यही है, और रंगोली वगैरह जो होती है वो सब। तो चलना मेरे साथ और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है और क्या क्या लिया है मैंने मार्केट से दिवाली के लिए। तो अभी बस इतना ही, खाना वाना मैं खा चुकी हूँ, सुबह मैंने बना लिया था, खाना खा लिया मैंने, और बच्चों को अभी खिलाना बाकी है, पर दोनों सोए हुए हैं। टुक टुक के आज पेट में थोड़ा सा दर्द है, मैंने उसको दवाई दे दी है। उसको ना गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि थोड़ा सा लेट हो जाता है ना पॉटी करने में, जाने में, वॉक करने के लिए, तो उसको गैस की ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको मेडिसिन मैंने दे दी है, अभी थोड़ा सा ठीक है, पर खाना नहीं खा रहा है, तो मैं मिस्टी को खाना खिला देती हूँ उससे पहले, और फिर देखो उसके बाद हम मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी सी देर में। A few moments later. तो मार्केट में मुझे मिल गया है ये पप्पी, जो कि बहुत भूखा था और डरा हुआ था। तो मैंने इसको अपने पास बुलाया, थोड़ा सा प्यार किया, और ये समझ गया कि अब मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो मैंने इसको दूध दिया पीने के लिए, क्योंकि और कुछ तो मिला नहीं, बिस्किट से खाज हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा दूध दे दिया इसको एक पैकेट। और देखो ये कैसे पी रहा है, क्योंकि बेचारा बहुत ज़्यादा भूखा था, और कैसे पी रहा है, कौन खिलाता पिलाता होगा इन बेचारों को? कोई नहीं खिलाता, कैसे सूखा सा बेचारा पसली निकाल के घूम रहा है। और इसने बड़े अच्छे से दूध पिया और पूरा दूध फिनिश करके ना तब गया, बेचारा बहुत भूखा था। ये देखो, पहली बार मिला इसने मेरे को, ना काटा ना कुछ, और बस मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के ना बस ऐसे ही बोल रहा कि मुझे भूख लग रही है, भूखा था बेचारा। देखो कैसे पी रहा है, मैं इसको साथ साथ दे भी रही हूँ ना, दूध की थैली से दूध निकाल रही हूँ ना, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ नहीं कह रहा बेचारा, साइड में मुंह हटा के, और देखो कैसे दूध पी रहा है। ये बेचारे कितने अच्छे होते हैं ना, कितने प्यारे होते हैं ना, लोग पता नहीं क्यों मारते हैं इन्हें। ये बेचारा कैसे पी रहा है।
A few moments later. A few moments later. छोटू, तूने खाना खाया? क्यूटी, तुझे खाना नहीं खाना? खा लिया? लाड़ो, तूने खा लिया? अरे वाह, खाना खा के आनी है मारी। पानी पी ले बेटा, लाड़ो ले पानी पी ले। आजा, पानी पिएगी? आ जा ले। तो मैं आपको बता रही थी कि इनका स्टरलाइजेशन हुआ था, तो देखो इसके तो अभी ठीक है और इसके भी ठीक है। ये है इनकी मदर, जिसके थोड़ी सी दिक्कत हुई है। अभी मैं इसकी मेडिसिन लगाऊंगी ना, तब दिखाऊंगी, अभी ऐसे ये दिखाएगी नहीं। और एक है उधर, ये रही ब्राउनी। ब्राउनी ले, चीजी नहीं खाएगी? अच्छा देखो ऐसे भागती है ये, कैसे इसको दवाई लगाओ। ब्राउनी जरा, मेरी बेटी नहीं है तू? आएगी अभी, आएगी अभी, पकड़ूंगी। तो ये इसके ऑपरेशन हुआ था ना, स्टरलाइजेशन, ये इसके ऐसे करके हो रहा है, पता नहीं क्या, शायद अंदर से पक रहा है क्या है। ये हटना, ये मेरे ऊपर चढ़ रहा है पीछे से। तो ये इसके ऐसे हो रहा है, तो मैं अभी इसमें दवाई लगाऊंगी। पतलू हट, हट ना बेटा, तू मत कर ऐसे, मम्मा के चोट लग रही है, मत कर। तो अभी मैं इसके दवाई लगा लूँ, अकेले के बस का नहीं है। रुक जा पतलू, रुक जा यार, हालात मार दे इसके। तू देख, मान नहीं रही है, ये चढ़े जा रही है मेरे ऊपर। दवाई कैसे लगाऊंगी मैं, कैसे लेट गई है। मजे से आराम से लेटी है। लेट जा लाडू, लेट जा, मुँह पर चढ़ दी है। हट जा, चल हट जा। तो मैं यहाँ पर ना इसके इसलिए ऐसे दवाई लगा रही हूँ क्योंकि ना इसे टच नहीं करने देती है, शायद इसको दर्द होता होगा, या क्योंकि देखो ना इसके पका हुआ है तो इस वजह से पक रहा है ये पूरा, तो इस वजह से दर्द होता होगा ना, इसलिए ना टच नहीं करने देती है ये। तो फिर इसको ना ऐसे ही ऊपर से कॉटन से हल्के हाथ से करके लगाना पड़ता है, ऐसे ही दवाई लगानी पड़ती है। और ऐसे ही इसको फिर मैं पाउडर लगा देती हूँ दवाई लगा के। पहले से बहुत सही है, लेकिन पता नहीं क्या है ये, मतलब पक सा रहा है, इसके अंदर से खुजा भी लेते हैं ना ये लोग, तो बेचारे इधर उधर भागते रहते हैं, इनको क्या वो है कि ऐसे अपनी टेक केयर करनी है, इतनी समझ हो तो फिर बात ही क्या हो। तो ये है इसकी बेटी, इसके देखो ऐसे हो गया है, इसके भी ऐसे ही दवाई लगा के मैं और फिर पाउडर लगा देती हूँ। तो काफ़ी बड़ा था पहले तो ये, फिर डॉक्टर आके एक बार इसको इंजेक्शन वगैरह भी और मेडिसिन वगैरह भी देख के गए, तो उससे पहले से ठीक है ये। और अभी देखो ये ऐसे हो रहा है, अभी थोड़ा सा ही रह गया है, पहले तो काफ़ी बड़ा था, तो अभी ये ठीक हो रहा है धीरे धीरे करके। और जो खाने वाली मेडिसिन है वो भी मैं इसको डेली टैबलेट दे देती हूँ, दो टैबलेट हैं तो वो भी मैं दोनों दे देती हूँ, दोनों टैबलेट इसको डेली। तो अभी तो पहले से बहुत बेटर है, लेकिन फिर भी जब तक ये पूरा ठीक नहीं हो जाता तो इसको पाउडर वगैरह लगा के अच्छे से
और ऐसे दवाई देनी पड़ेगी। खालो खालो खालो, दोनों खालो, मम्मी बेटी दोनों खाना खालो, है ना? खाले खाले खाले। चोनी खाना नहीं खाना? उधर घूम रही है ब्राउनी। नो। और ये है हम जो खाना खिलाने आए थे। तो अभी खाना वाना सब बच्चों को खिला दिया है और बस अभी मैं जा रही हूँ घर। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हुए, तब तक के लिए डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।